सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम की कक्षा निरंतर चल रही है और आज हम इसकी कक्षा संख्या 26 को पढ़ेंगे, 26 को पढ़ेंगे। 25 कक्षाओं को पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, कोई भी पाठक कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार अनुकूलता से पढ़ सकते हैं। महाभाष्यम नाम का कॉलम बना दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा। और यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी हमसे कक्षाओं के सभी लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था, यहां तक हमने कर लिया था, ये वाला वार्तिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, काफी विस्तार से यही एक सूत्र पढ़ाया था, उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। तो यही कहा कि जो शास्त्र है वो क्या करता है, शब्द के प्रयोग में, शब्द को बना बना करके देता नहीं है, शब्द के प्रयोग को नियमित करता है। अर्थात किस शब्द को प्रयोग करना कहां उचित है, किस शब्द के प्रयोग करने से हमें फल मिलेगा, धर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा नियम करता है। तीन प्रकार से यहां दिखा दिया था, धर्माय नियमो धर्म नियम, धर्मार्थो वा नियम नियमो धर्म नियम, धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियम। तीनों पर मैंने विस्तार से चर्चा कर दी है। अब इसी बात को आगे और समझा रहे हैं, ठीक है, आगे समझा रहे हैं। इसके बाद क्या है, यहां पर एक वार्तिक आ रहा है, ध्यान दीजिए, इस विषय को समझ लीजिए। यहां क्या आ रहा है, ये वार्तिक आ रहा है, यथा लौकिक वैदिकेषु, ये वार्तिक आ रहा है। इस वार्तिक को देख करके जो पूर्व पक्षी है, उस पूर्व पक्षी के मन में जो शंका उत्पन्न हो सकती है क्या जो शंका उत्पन्न हो सकती है, उस शंका को ही महर्षि पतंजलि ने पकड़ करके अपनी तरफ से ही उठा दिया। क्या पूर्व पक्षी के मन में जो प्रश्न उपस्थित हो सकता है, जो हम पीछे चर्चा कर रहे हैं, है? लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, और उसको पढ़ने के बाद इस वार्तिक को पूर्व पक्षी ने देखा तो उसके मन में ये शंका आ सकती है 100%। उस शंका को इस वार्तिक पर ही अपने भाष्य से क्लियर कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। क्लियर हो गया, ये समझ लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। वार्तिक क्या है, ये आचार्य कात्यायन का वार्तिक है। यथा लौकिक वैदिकेषु प्रिय तद्धिताढाक्षिणात्याः यथा लोके वेदे च इति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिक वैदिकेषु इति प्रयुञ्जते। पूर्व पक्षी मन में ऐसी शंका कर सकता है, महर्षि पतंजलि जी देख रहे हैं कि आचार्य कात्यायन ने यहां पर लौकिक और वैदिक, लौकिक वैदिकेषु ऐसा कहा है, लौकिक और वैदिक शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु पूर्व पक्षी ये कह सकता है
भाई लौकिक और वैदिक शब्दों के स्थान पर तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, यथा लोके वेदे च, लोक और वेद में, हाँ लोक और वेदिक शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, ऐसा शंका उठा सकता है पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि प्रिय तद्धिता दक्षिणात्याह, कि भाई ऐसी बात मत मन में सोच लेना, क्योंकि जो तद्धित प्रत्ययांत को लगा करके शब्द को प्रयोग करने की अभिरुचि वाले दक्षिण के लोग होते हैं, जो आचार्य कात्यायन है, ध्यान दीजिएगा, जो आचार्य कात्यायन है ये दक्षिण प्रांत के हैं। इस सूत्र से भी यही क्लियर हो रहा है, इस भाष्य से भी यही क्लियर हो रहा है कि महर्षि पतंजलि जी तो कश्मीर देश के हैं, कश्मीर प्रांत के, परंतु जो आचार्य कात्यायन है ये दक्षिण दक्षिण देश के हैं। दक्षिण देश अर्थात ये कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, ये सभी दक्षिण में आते हैं। तो कहते हैं कि जो दक्षिण वाले जो विद्वान होते हैं वो तद्धित प्रिया होते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय लगा करके शब्द प्रयोग करने में आनंद आता है, ठीक है, क्या तद्धित प्रत्यय लगा करके शब्द प्रयोग करके शब्द प्रयोग करने में आनंद आता है उनको। और उत्तर भारत के अतद्वित प्रिया होते हैं, अतः वो चाहते हैं कि बिना तद्वित के ही, अर्थात ये लौकिक शब्द है, ये कैसा है, तद्वित प्रत्यांत, तद्वित प्रत्यांत है, इसमें ठक या ठई प्रत्यय करके बन सकता है, ये ऐसे ही वैदिक बन सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो नॉर्थ वाले हैं, उत्तर भारतीय उत्तर भारत के जो विद्वान है वो तो इसको ऐसे बोलते हैं लोके और वेदे। अब इसको बात को क्लियर करेंगे, समझ लीजिएगा, सूक्ष्म विषय है, ठीक है। तो यदि आप ऐसा कहो पूर्व पक्षी कि भाई आचार्य कात्यायन को लोके वेदे शब्द प्रयोग करना चाहिए और उन्होंने धर्म का उल्लंघन कर दिया, धर्म नियम का, तो महर्षि पतंजलि ने साथ साथ उत्तर भी दे दिया के प्रिय तद्धिता दक्षिणात्या, जो दक्षिण के आचार्य होते हैं वो तद्धित प्रत्यय को लगा करके बोलने में अभिरुचि रखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा प्रयोग करने के स्थान में जैसे कि यथा लौकिकेषु प्रयुक्त प्रयुञ्जते, इसका प्रयोग किया गया है। अब इस बात को आपको गहराई से समझना होगा, लोक का अर्थ होता है कि लोक और लोक से संबंधित, दोनों अर्थ होते हैं लोक शब्द के, ठीक है, लोक से लोक अर्थ भी होता है और लोक से संबंधित जो विषय हैं वो भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही वेद माने वेद से वेद अर्थ भी होता है और वेद से संबंधित विषय भी होते हैं, वेद शब्द के द्वारा हम दोनों अर्थों को कह सकते हैं, ठीक है। परंतु जब हम तद्धित प्रत्यय ला करके कहते हैं, ध्यान दिए, जब हम तद्धित प्रत्यय ला करके कहते हैं तो क्या है, फिर उसमें कुछ शब्द का स्वरूप बदल जाता है। यदि वेद और वेद के विषय, वेद को वेद शब्द से कहेंगे, वेद के विषय को कहने के लिए कोई तद्धित प्रत्यय लाएंगे तो दोनों शब्दों में अंतर आ जाएगा, क्या दोनों शब्दों में अंतर आ जाता है। और जब हम वेद शब्द से वेद को भी कहते हैं और क्या वेद को भी कहते हैं और वेद से संबंधित विषय वाले को भी कहते हैं, इसके लिए आपके लिए लौकिक उदाहरण बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला होगा। देखिएगा, आप कहीं मार्केट में जाते हैं अथवा कहीं अपने घर से कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, सगे संबंधियों के यहाँ पर, आप घर से बाहर निकल करके आते हैं, रोड पर आते हैं, आपको वाहन चाहिए होता है, टेम्पू चाहिए, रिक्शा चाहिए,
ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, आप क्या बोलते हैं, कोई रिक्शा वाला व्यक्ति जा रहा है या टेम्पो वाला व्यक्ति जा रहा है तो आप क्या कहते हैं, ओ रिक्शा, क्या ओ रिक्शा। आप जब कहते हैं ओ रिक्शा ओ टेम्पो तो आप किसको कहना चाह रहे हैं, उस टेम्पो को उस रिक्शा को नहीं कहना चाह रहे, आप किसको कहना चाह रहे हैं, उस टेम्पो वाले व्यक्ति को, रिक्शा वाले व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा। और टेम्पो और रिक्शा का अर्थ, टेम्पो और रिक्शा भी होता है, जब आप कहते हैं टेम्पो ये खड़ा है रिक्शा ये खड़ा है तो आप टेम्पो वाले व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, रिक्शा वाले व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उस टेम्पो को, रिक्शा को, ध्यान दीजिएगा। तो लोक में मत अर्थात हम इस प्रकार से शब्दों का प्रचलन देखा जाता है, ऐसे ही लोक, लोक का अर्थ जो लोक होता है, ठीक है, और लोक से संबंधित बातें होती हैं, ठीक है। और एक यहां पर जो लोक का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, यहां लोक का अर्थ है ये संसार नहीं है, लोक का अर्थ है स्मृति, स्मृति जो ग्रंथ है, क्या स्मृति जो ग्रंथ है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, ठीक है, ये इस प्रकार के जो ग्रंथ है जो लोगों की व्यवस्था को बताते हैं उसको कहा जा रहा है लोक, ये भी समझ लीजिएगा। वेद, वेद से यहां पर क्या कहा जा रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों को, मन मंत्र ब्राह्मण यो रवेधा, इसके अंदर मंत्र माने वेद संहिताएं और ब्राह्मण ग्रंथ भी आ जाते हैं, हैं ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं, ठीक है। वेद शब्द का अर्थ यहाँ केवल ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ही नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ भी ग्रहण होते हैं यहाँ, ठीक है। तो मां कहा कि पूर्व पक्षी जो मन में ऐसा सोचे कि भाई देखो कि आचार्य कात्यायन को ऐसा प्रयोग करना चाहिए था, लोके वेदे, क्या लोके वेदे करना चाहिए था, उसके स्थान पर लौकिक वैदिक कर दिया, तो इसका महर्षि पतंजलि ने समाधान दे दिया कि भाई ऐसा है प्रिय तद्धिता दक्षिणात्या, जो दक्षिण के आचार्य होते हैं वो तद्धित लगा करके ही अपनी बात को कहने में अभिरुचि दिखाते हैं, ये तद्धित का अर्थ आ रहा है, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसे इसके लिए और मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं मित्रों, जो हमारी गुरु परंपरा से हैं, मतलब हम उनकी गुरु परंपरा से हैं, ठीक है, वो हमारी नहीं, हम उनकी गुरु परंपरा से, वो तो बहुत, वो तो संसार में रहे ही नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये मैं पढ़ के बता देता हूं उनका विवरण, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने आपको समझाने का काफी प्रयास किया है, ठीक है। लोक में जहां अवयव और समुदाय दोनों वाच्य होते हैं, ठीक है, अवयव माने किसी बात को कह रहे हैं तो उसको पूरा समुदाय रूप में भी हम अर्थ निकालते हैं और अवयव रूप में भी अर्थ निकल के आता है, ठीक है। दोनों शब्दों का जो वाच्य होता है वो अवयव में भी होता है और समुदाय में भी होता है। वहां कोई व्यक्ति अवयव भेद को आश्रित करके वनस्पतयः ऐसा प्रयोग करता है, ये वनस्पतयः, ये क्या है, वनस्पतयः बोलते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, वनस्पतियां, वो वनस्पतियां, बहुत सारी वनस्पतियां भिन्न भिन्न रूप में हम जब देखते हैं, व्यक्ति के रूप में देखते हैं, अवयव के रूप में देखते हैं, तो क्या है, वनस्पतियां, बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं वनस्पतयः, ठीक है। और कोई समुदाय की अपेक्षा से, यदि सारी वनस्पतियों को हम समुदाय रूप में यदि कहना चाहे कोई व्यक्ति, तो कहते हैं वनस्पति नाम समूह, इस अर्थ में उत्पन्न अण्य प्रत्यांत शब्द वनस्पत्य शब्द का प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति तो अवयव भेद से वनस्पतया कहता है, और एक व्यक्ति क्या कहता है, अवयव भेद को हटा करके समुदाय रूप से कहने की इच्छा करता हुआ वो क्या करता है,
वनस्पति शब्द से समूह अर्थ में, क्या समूह अर्थ में, तस्य समूह इससे क्या करता है, समूह अर्थ में प्रत्यय ले आता है। समूह अर्थ में क्या आ जाता है, अण्यत्न प्रत्यय आता है वनस्पति शब्द से, तो वानस्पत्या शब्द बन जाता है। वानस्पत्या का अर्थ होता है, ये बहुवचन है ध्यान नहीं, ये क्या है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये जो व्याकरण जानते हैं वही ये समझ पाएंगे। तो वानस्पत्या का अर्थ हो गया सभी वनस्पतियों को समुदाय रूप में जब देखा जा, देखने की इच्छा वाला व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग करता है तद्धित प्रत्यय ला करके, ये तद्धित प्रत्यय है। और वनस्पतया या बिना प्रत्यय के प्रयोग कर दिया, अंतर इतना है इसका अर्थ भी कुल मिलाकर के वही है, इसका अर्थ भी वही है, परंतु यहां पर समुदाय रूप में कहा कहने की इच्छा है और यहां पर अवयव रूप से कहने की इच्छा है, जो वक्ता है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्लियर हो गया आपको। तो क्या होता है व्याकरण में इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। अब जो मूल बात पर आ जाइएगा, इसी प्रकार यहां लोक और वेद में प्रसिद्ध अनेक विषयों को, देखिए क्लियर हो रहा है, लोक और वेद में प्रसिद्ध अनेक, लोक का अर्थ है स्मृति ग्रंथ और वेद का अर्थ है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ को लोक और वेद शब्दों से समुदाय रूप से कहा जा सकता है। अवयव भेद में हम उसको तद्धित प्रत्यय लाना पड़ेगा, यहां उल्टा होगा, यहां अवयव के लिए हमें तद्धित प्रत्यय लाना पड़ेगा, और समुदाय रूप से हमें यदि उन विषयों को कहना चाहें तो क्या है लोक के और लोक के लोक से और वेद के वेद शब्द से कह सकते हैं। ठीक है, वेद शब्दों से समुदाय रूप में कहा जा सकता है। फिर भी वार्तिककार कात्यायन ने दाक्षिणात्य होने के कारण, दाक्षिणात्य माने दक्षिण प्रांत के होने के कारण से, दाक्षिणात्य अभिरुचि के अनुसार, माने दक्षिण के आचार्यों की जो अभिरुचि किसमें होती है, तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग में है, कृदंत शब्द होते हैं तद्धितांत होते हैं, तो आधार आधेय की कल्पना करके, क्या आधार और आधेय, आधार माने स्मृति ग्रंथ, स्मृति आदि ग्रंथ हैं, वेद शब्द से वेद ब्राह्मण आदि आधार ये ग्रंथ मान करके, आधेय माने उसके अधीन जो उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, है सिद्धांत माने जो वाक्य हैं, उनको तद्य उनको कहने की इच्छा से, उनको कहने की इच्छा से क्या है लौक तद्धित प्रत्यय ला करके, तद्धिता तद्धित प्रत्ययांत लौकिक वैदिक शब्दों का प्रयोग किया है। क्या लौकिक वैदिक शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात यहां तद्धित का प्रयोग कर दिया, लौकिक और वैदिक, लौकिक शब्द से क्या होता है सर्वलोका ठई, ठीक है ठई प्रत्यय हो जाता है, ऐसे वेद शब्द से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो वास्तव में पहले जिन्होंने प्रथमा वृत्ति पढ़ ली है और काशिका पढ़ ली है उनकी समझ में जल्दी से आ जाएगी सिद्धि। ठीक है, मोटी मोटी बात तो समझ में आ जाएगी, तो सिद्धि कहां समझ में आ जाए। तो कहते हैं इसी प्रकार से आचार्य कात्यायन ने, पूर्व पक्षी ने जो शंका मन में उपस्थित की है उसका उत्तर दे दिया कि आचार्य कात्यायन ने वास्तव में यहां पर क्या है तद्धित प्रत्यय लगा करके प्रयोग किया है, क्योंकि दक्षिण के लोग तद्धित प्रिया होते हैं, तद्धित प्रिय होते हैं। ठीक, अथवा अब कहते हैं, अब दूसरा समाधान दे रहे, उसको एक बात ही चुप कर दिया पूर्व पक्षी को, उसको बोलने से पहले ही चुप कर दिया महर्षि पतंजलि ने। अब कहते हैं अथवा मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि यहां पर
ऐसा कोई तद्वित प्रिय वाली बात नहीं है, तद्वित प्रिय वाली कोई बात नहीं है। यहां पर यह कहा जा रहा है अथवा युक्त एवात्र तद्धितार्थः, अर्थात यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, तद्धित का अर्थ दिखाने के लिए तद्धित लाना ही पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतांतेषु, ठीक है, कृतांत का अर्थ होता है यहां पर स्मृति और उन ग्रंथों में उपनिबद्ध जो सिद्धांतों के जो वाक्य हैं वो यहां पर कृतांत शब्द से कहे गए हैं, ठीक है। तो यही कहा, अथवा ऐसा हम कहते हैं कि यहां जो तद्धित प्रत्यय है, तद्धित का जो अर्थ है वो युक्त ही है। क्या है? यहां युक्त ही है, यहां तद्धित प्रत्यय के बिना बात को कहा जा सकता ही नहीं है, ठीक है। यथा जैसे, अब ये हो गया, देखिएगा यहां पर मैं आपको हिंदी और थोड़ी सी समझा देता हूं। जैसे ये देखिए, अथवा जैसे लौकिक और वैदिक सिद्धांतों में, माने लौकिक और वैदिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले वाक्यों में, लौकिक का अर्थ यही है स्मृति आदि ग्रंथों में सिद्धांत को बताने वाले जो वाक्य, कृतांत का अर्थ यही है। और इसी प्रकार से वैदिक माने वेद और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में बताने वाले, सिद्धांतों को बताने वाले जो वाक्य, उन वाक्यों को बताने के लिए यहां पर प्रत्यय आ रहा है। उन वाक्यों को बताना है तो प्रत्यय लाना ही पड़ेगा, उसके बिना कार्य नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा, यहां पर जैसे ये लिखा है, अथवा यहां तद्धितार्थ युक्त ही है, जैसे लौकिक माने स्मृति निबद्ध, स्मृति ग्रंथादि, और वैदिक माने श्रुति निबद्ध, श्रुति का अर्थ है यहां पर वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, सिद्धांतों में, ठीक है, क्या है, सिद्धांतों में, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब क्लियर हो गया, दोनों प्रकार से इन्होंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। जैसे अब ये उदाहरण दे रहे हैं, ये क्लियर हो गया, अब ये इसका उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। लोके तावत, अब देखिएगा, अब यहां पर लोक से ही क्या कह रहे हैं, लोक शब्द से ही, लोके तावत माने लोके तावत का अर्थ है स्मृति ग्रंथों में, क्या, स्मृति ग्रंथों में, तावत माने तब, क्या है, अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटो भक्ष्यो ग्राम्य शूकरा इत्युच्यते। जो स्मृति आदि ग्रंथ हैं उनमें ये वाक्य दिए हैं, इन क्या दिए हैं, अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटा अभक्ष्या ग्राम्य शूकरा इत्युच्यते, ऐसा कहा जाता है, ये वहां का वाक्य लिया है कि जो गांव का कुत्ता होता है, क्या, ग्राम का जो कुत्ता होता है उसको वो कैसा भक्ष्य है, उसको खाना नहीं चाहिए मनुष्य को, भाई कुत्ता भी खा जाते हैं लोग, ठीक है, ये कोई वर्तमान में नहीं, प्राचीन काल में भी लोग खा जाते थे कुत्ता आदि पकड़ करके, और गांव का कुत्ता तो कहते हैं अभक्ष्यो ग्राम, अच्छा ये कुक्कुटा माने मुर्गा, सॉरी,
कुत्ता नहीं, ये कुक्कुट मैंने मैंने कुक्कुरा समझा, कुक्कुटा मैंने मुर्गा लिख देता हूं, ठीक है कभी मुर्गा। तो गांव का मुर्गा होता है, गांव का जो मुर्गा होता है, गांव में जो घरों में रखते थे हैं लोग, वो मुर्गा क्या है, अभक्ष्य है, खाने के योग्य नहीं है, खाने के योग्य नहीं है, उसको नहीं खाना चाहिए मनुष्य को। और अभक्षा ग्राम में शू करा, और गांव का जो सुअर होता है, गांव में जो पाला जाता है, उसको भी नहीं खाना चाहिए, ये नियम है, ये वाक्य है वहां पर, ठीक है। अब ये दिखा रहे हैं लोक के माने स्मृति, स्मृति से संबंधित जो सिद्धांत, ध्यान दिए, स्मृति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को बताने वाले ये वाक्य हैं, ठीक है। तो कहते हैं अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटा, अभक्ष्या ग्राम्य शूकरा, माने गांव का जो मुर्गा होता है, हमको भी आ रहा है, हमने कुक्कुरा बोला, कुक्कुटा बोला, और कुक्कुरा हमने कुत्ता अर्थ किया, गलत किया है, ठीक है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ग्राम में कुक्कुटा माने गांव का जो मुर्गा है, उसको नहीं खाना चाहिए मनुष्य को, गांव के सुअर को नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। कहते हैं भक्ष्यम नाम क्षुत प्रतिघातार्थम उपादीयते, कहते हैं भक्ष्यम माने जो खाने के ला जो पदार्थ होता है, भक्ष्य बोलते हैं, भक्ष्य माने खाने योग्य, वो क्या होता है, क्षुत प्रतिघार्थम माने भूख को, भूख को, क्षुधा को मिटाने के लिए जो पदार्थ हम प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भक्ष्य बोलते हैं, माने भक्ष्यम नाम भक्ष्य उसको बोलते हैं जो भूख को मिटाने के लिए पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं शक्यम चानेन श्वमांसादि भीरपि, क्षुत प्रतिहंतम, ठीक है। कहते हैं कि शक्यम च अनेन, अनेन का अर्थ है इस भूखे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, ये श्व यहां पर आ रहा था, वो मेरे को आगे की बात यहां ध्यान आ गई, इसलिए वो बोल दिया गया मेरे से। क्या शक्यम चानेन श्व मांसादि भीरपि, जो भूखा व्यक्ति है उसके द्वारा, शक्यम माने युक्त है, माने वो समर्थ है, समर्थ हो सकता है, माने श्व मांसादि भी माने कुत्ते आदि के मांस के द्वारा, कुत्ता आदि का मांस खा करके भी वह क्या है, क्षुत प्रतिहंतुम माने अपनी भूख को मिटाने के लिए समर्थ हो सकता, भूख लगी उसको, ये तो प्राचीन काल में बहेलिए आदि होते थे उनके लिए है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है, जो पहले जंगलों में वो रहते थे, गांवों में इस प्रकार की अपनी संस्कृति है जी, चलती रहती है। तो क्या है, भूखा व्यक्ति अपनी भूख को कुत्ते आदि के मांस से भी मिटा सकता है। कहते तत्र नियमः क्रियते, ध्यान दे, तत्र नियमः क्रियते, वहां पर नियम किया जाता है, क्या वहां पर नियम किया जाता है, इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम, ये भक्ष्य है माने हर किसी पदार्थ से, हर किसी वस्तु से अपनी भूख नहीं मिटानी है। स्मृति ग्रंथों के वाक्य हमें ये बताते हैं कि ये भक्ष्य है, इसको खाना चाहिए, इदम अभक्ष्यम ये नहीं खाना चाहिए, हर किसी पदार्थ को खा करके अपनी भूख नहीं मिटा लेनी है, इति, ठीक है। ये क्या है, धर्म नियम माने ये धर्म करते हैं यहां पर, तत्र नियम माने वहां पर एक व्यवस्था बनाई है कि भाई आपको भूख मिटानी है तो इसको खाना है, इसको नहीं खाना है,
गांव वाले मुर्गे को नहीं खाना है, और क्या था, और गांव वाले सुअर को नहीं खाना है, जंगल का मुर्गा खा सकते हो आप, ठीक है, जंगल का सुअर खा सकते हैं आप, कौन? ये शाकाहारियों के लिए नहीं, देखिएगा मांसाहारी लोग तो हमेशा से रहे रहेंगे, शाकाहारी हमेशा से रहे रहेंगे, ये मांसाहारियों को उनकी उच्छृंखलता को रोकने के लिए कि वो हर किसी को ना खाने लग जाएं, इसलिए ये धर्म नियम बना दिया कि भाई इससे थोड़ा तो रुके रहेंगे, गांव के मुर्गे तो सुरक्षित रहेंगे, गांव के सुअर तो सुरक्षित रहेंगे, हैं, कुत्ते आदि तो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, तो क्या कहा, वहां पर नियम बना दिया ये। तो इसी प्रकार से ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसी प्रकार से शब्दों के विषय में भी धर्म नियम है। कि पहले वाले जो वार्तिक है ना, उसकी बात को क्लियर कर रहे हैं अब, कि जैसे लोक के सिद्धांतों में ये धर्म नियम होता है, वैसे ही शब्दों के विषय में भी धर्म नियम होता है कि आपको यहां पर ये शब्द प्रयोग करना है, हर कोई शब्द को प्रयोग नहीं कर देना है, ठीक है। कैसे, यदि कोई व्यक्ति है गौ के लिए, गौ के लिए गौ शब्द का भी प्रयोग हो सकता, गऊ गावी गौणी गोतलिका, वो बोलेगा सामने वाला समझ जाएगा ठीक है ये गाय बोल रहा है, परंतु क्या नियम करा किया गया जाता है शब्द शास्त्र के द्वारा कि भाई आपको गऊ शब्द ही उच्चारण करना है, गावी गौणी गोतलिका आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कैसे, ऐसे, ठीक है, चलिएगा और उदाहरण दिखा रहे हैं, ये एक उदाहरण और देखते हैं, अभी लंबा चलेगा ये, ठीक है। तथा उसी प्रकार से और भी है, ठीक है, खेदात स्त्रीषु प्रवृत्तिर भवति, खेद माने जब आदमी जब अपनी वासनाओं की कामनाओं की पूर्ति करता है तो वो क्या करता है, उसकी प्रवृत्ति स्त्रियों में होती है, अर्थात स्त्रियों के साथ में अपनी वासनाओं को शांत करता है, कामनाओं को शांत करता है, ठीक ठीक है, ऐसे स्त्री भी पुरुष के साथ करती है। तो कहते हैं कि तद यथा खेदात स्त्री शु प्रवृत्ति भवति, माने राग से काम वासना के कारण से क्या है, स्त्रियों में प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, पुरुष की, मनुष्य के पुरुष की। कहते समानश्च खेद विगमः गम्यायाम अगम्यायाम च, और उस वासना की जो शांति है, राग की जो शांति है, वो क्या है, समान रूप से समाप्त हो सकती है, गम्य माने जिस स्त्री के साथ में समाज के द्वारा जो नियम बनाया गया है उस स्त्री में, अथवा किसी जो वैश्या आदि स्त्रियां हैं उनके साथ में समान रूप से हो सकती है वासना की शांति, कामना की शांति, ठीक है, काम की। परंतु कहते हैं कि जो शास्त्र का वाक्य है वो क्या कहता है, वो कहता है तत्र माने उस विषय में नियमा क्रियते, नियम किया जाता है कि भाई देखो आप अपनी वासना की शांति, अपने जो राग की शांति है उसको इयम गम्या इयम अगम्या माने इस स्त्री के साथ कर सकते हैं, इस स्त्री के साथ में आपको नहीं करना है, ये क्या है, नियम बना दिया गया है। यदि आप इस स्त्री के साथ करेंगे तो आपको धर्म मिलेगा, उसका सुख मिलेगा, और आप दूसरी स्त्री के साथ करेंगे जो अगम्य अर्थात शास्त्र के द्वारा मना किया है कि वैश्या आदि स्त्रियों के साथ में पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए, तो यदि उसके साथ करेंगे तो आपको उसका अधर्म मिलेगा अर्थात दुख रूप फल मिलेगा। तो ये नियम बनाया गया है। इसी प्रकार से शब्दों के विषय में भी हमें जान लेना चाहिए, ये क्या है, वो इस लोक के माने स्मृतियों में बताए गए सिद्धांत हैं, ठीक है। तो
इन वाक्यों को बताने के लिए ही मैं आचार्य कात्यायन ने लौकिकेषु वैदिकेषु प्रयोग किया है। स्मृति ग्रंथ नहीं, स्मृति ग्रंथों में क्या, स्मृति ग्रंथों में जो सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले वाक्य हैं उनको कहने के लिए आचार्य कात्यायन ने लौकिक और वेदों में प्रतिपादित सिद्धांतों को बताने वाले वाक्यों को वैदिक शब्द से कहा है। ये क्लियर आपको होना चाहिए। हमने लौकिक का कर लिया अभी, ठीक है। आगे है इसी प्रकार से, ठीक है, ये हो गया यहां तक। इदम इयम गम्या इयम अगम्या, माने इसका हम इससे कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते हैं। आगे इसका भी कर लेते हैं, फिर आगे की कक्षा में करेंगे, ठीक है। ऐसे वेदे खल्वपि, यहां वेद शब्द से आप ध्यान रखेंगे, ये वाक्य आप देख लीजिएगा, ये यहां पर वेद का अर्थ लिया गया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम अधेयम। इसको ऐसा भी बोलते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर अभेदः, ऐसा भी कहा जाता है। ये क्या है, सूत्र है। ये कहाँ का सूत्र है, ये इस बात को हम यहां पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। युधिष्ठिरमीमांसक जी ने लिखा है विवरण, हम अन्यत्र सब प्रमाण सिद्ध कर चुके हैं। इनका क्या है, व्याकरण शास्त्र नाम की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उसमें उन्होंने जो भी व्याकरण के आचार्य हैं उनका इतिहास लिखा है, माने व्याकरण इतिहास कैसा का नाम की पुस्तक है, ठीक है। ये संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास इस नाम की पुस्तक है। आप यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके उन पुस्तकों को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये बात कह रहे हैं महाभाष्यकार पतंजलि चरक चरणांतर्गत काठक शाखा के अध्येता थे। महर्षि पतंजलि जो हैं हम जिनको पढ़ रहे हैं जिनका भाष्य, तो वो क्या है, चरक चरणांतर्गत काठक शाखा है उसके पढ़ने वाले थे वो। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास देखे भाग एक पृष्ठ 356 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये पब्लिकेशन का सन दिया है, अब तो आगे पीछे संख्या हो गई होगी पृष्ठों की। चरक वैशंपायन दृष्टव्य क्या काशिका सूत्र 4.3.104 में आचार्य का प्रवचन चरक, अपर नाम इसको क्या है, चरक माने ये नहीं है आयुर्वेद का ग्रंथ नहीं है, कृष्णा यजुर्वेद को क्या कहा गया है, चरक कहा गया है, कहाता है चरक चरणांतर्गत सभी आपस्तंभ आदि शाखाओं के शौत सूत्रों के परिभाषा प्रकरण में मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम अधेयम सूत्र पठित है। माने क्या है, चरक चरणांतर्गत सभी आपस्तंभ आदि शाखाओं के शौत सूत्र हैं, शौत सूत्रों के जो ग्रंथ हैं उनमें ये सूत्र पढ़ा हुआ है, कहां परिभाषा के प्रकरण में, या परिभाषा पहले दिए मंत्र ब्राह्मणयोर मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम अधेयम, ठीक है। इसका अर्थ है मंत्र और ब्राह्मण को वेद नाम से जानना चाहिए, कहां, इस प्रकरण में, हर जगह नहीं है। हर जगह वेद से आप दोनों को लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब लीजिएगा, तदनुसार याज्ञिक क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा कौन सा क्षेत्र, केवल और केवल याज्ञिक, यज्ञ से संबंधित क्रियाओं वाला क्षेत्र, वहां पर वेद शब्द से मंत्र और ब्राह्मण को, माने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और जो आपके ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको वेद शब्द से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ग्रहित हो सकते हैं। वेद शब्द से मंत्र और ब्राह्मण का ग्रहण होता है, ठीक है, बस इतना ही काफी है, ये आगे अलग बात है। चलिए, जैसे व्याकरण के क्षेत्र में वृद्धि से आ आई औ का, गुण से आ ए ओ का ग्रहण होता है,
न कि बढ़ना अर्थ का ग्रहण होता है, न कि क्वालिटी का अर्थ होता है, ठीक है। तो ये पारिभाषिक शब्द हैं, परिभाषाएं बनाई हैं, यहाँ पर ये परिभाषा सूत्र बनाया है। उद्रियमान वाक्य याज्ञिक प्रकरण के हैं, जो ये वाक्य है ये जो ऊपर वाले, जो ये वाक्य है आपके ये वाला जो वाक्य है ये क्या है, ये याज्ञिक प्रकरण के हैं, यज्ञ संबंधी। अतः यहाँ वेद शब्द से ब्राह्मण ग्रंथों का भी ग्रहण होता है। यहाँ केवल यज्ञ की क्रियाओं के विषय में वेद शब्द से वेद और ब्राह्मण ग्रंथों दोनों का ग्रहण होता है, ठीक है। चलिएगा, इसको क्लियर कर देते हैं आज। आगे कहते हैं वेदे खल्वपि, वेद में भी, माने वेद में भी अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस प्रकार के सिद्धांत बताने वाले धर्म नियम वाक्य हैं। पयो व्रतो ब्राह्मणो यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्यः इत्युच्यते, ठीक है। ये वाक्य है यहाँ पर, इतना ऐसा दिया है, पयो व्रता माने ब्राह्मण का जो बालक होता है, जब उसका यज्ञोपवीत होता है तो उसको जो 3 दिन का जो व्रत रखना पड़ता है, तो उस समय वो क्या है, दूध पी सकता है। क्या दूध, उसके लिए उपवास में दूध का विधान है, वो दूध के व्रत वाला हो जाता है पयो, माने ठीक है। और यवागो व्रतो राजन्यः, जो राजन्यक, राजन्य का अर्थ क्षत्रिय का जो पुत्र संतान, जब गुरुकुल में पढ़ने जाती थी तो उसको यज्ञोपवीत संस्कार करते समय, वेदारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कार करते समय क्या है, यवागु माने दलिया, वो दलिया खा करके अपना व्रत को पूरा कर सकता है, उसके लिए दलिया का विधान किया गया है, ठीक है। आम इच्छा व्रतो वैश्य, और जो वैश्य है वो आमिक्षा खाने का कोई पदार्थ हुआ करता था, आमिक्षा माने ऐसा कुछ फटा हुआ दूध का पनीर जैसा आमिक्षा, ठीक है, उसको खा करके जो वैश्य का जो पुत्र है वो व्रत कर सकता है, ऐसा वहां विधान है, कहां पर, ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, या याज्ञिक प्रक्रिया वाले के लिए, याज्ञिक प्रक्रिया के प्रकरण में। कहते हैं व्रतम ना व्रतम च नाम अभ्यवहारार्थम उपादीयते, ठीक है। कहते हैं व्रतम च नाम माने जो व्रतम माने जो व्रत है यहां पर, उसमें कहते हैं कि अभ्यवहारार्थम उपादीयते माने जब व्रत करता है तो क्या है, ये पदार्थ ग्रहण कर सकता है, किए जाते हैं, ठीक है, बस इनको खा करके व्रत करना है और कुछ नहीं खाना है, इसका नाम क्या व्रत है वहां पर। शक्यम चानेन शाल्यमा शाली मांसादीन्यपि व्रतयतुम, कहते हैं कि जो वो ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण का पुत्र, क्षत्रिय का पुत्र, वैश्य का पुत्र, कहते हैं उसके द्वारा जो अपना व्रत है वो व्रत करने के लिए तो क्या है, शाली माने चावल अथवा मांस खा करके भी अपना व्रत पूरा कर सकता है, हैं? चावल और मांस खा करके भी अपना व्रत पूरा कर सकता है, परंतु तत्र नियमा क्रियते, वहां उसके बिने उनके विषय में नियम किया गया है कि ब्राह्मण का पुत्र संतान तो पयमाने दूध से व्रत करेगी, दूध को लेकर के, दूध खा सकता और कुछ नहीं ले सकता, पी सकता है, और जो क्षत्रिय है उसकी संतान दलिया खा सकती है उस 3 दिन के अंदर, और वैश्य माने जो वैश्य वर्ग का, वैश्य की संतान है वो व्रत के लिए क्या कर सकती है, आमिक्षा खा सकती है, ये नियम कर दिया। व्रत तो और सी चीजों को खा करके किया जा सकता है, अन्न को छोड़ करके, तो ये नियम कर दिया, जैसे यहां पर नियम किया गया है लोके वेदे,
वैसे ही क्या है, शब्द के विषय में भी नियम किया गया है, लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण नियमः। ये कात्यायन का वार्तिक है, ठीक है, चलिएगा। ये हो गया आपका, अभी और भी आएंगे, और भी वाक्य हैं, उनको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, अभी लंबा विषय है, ठीक है, तो इनको आगे की कक्षा में लेंगे। अभी उदाहरण और हैं, इसकी दो उदाहरण और हैं, ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। अभी चिंता मत कीजिएगा, हो सकता है ये कठिन है, मैं समझ रहा हूं आपको इस वाले बात को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, पक्का है। इसको लोके वेदे लौकिक वैदिक में आपको फर्क अभी करना नहीं आ पा रहा होगा, परंतु मैं आपको और अगली कक्षा में ये पूरा पढ़ा करके फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं, पढ़ते रहिएगा मित्रों। सभी कक्षाएं प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए बना दी है, महाभाष्यम नवामनिक नाम की, उस पर क्लिक करके पढ़ते रहिए। सर्वेभ्यो नमः।